ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आश्रया फाउंडेशन सोसाइटी देहरा ने जिला सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में लंगर लगाकर गरीबों, मरीजों और तीमारदारों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। ये लंगर दो दिन के लिए लगाया गया है। इस निशुल्क लंगर का लगभग सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया है। आश्रय फाउंडेशन सोसाइटी देहरा ने जिला सिविल अस्पताल ज्वालामुखी में लंगर लगाकर गरीबों, मरीजों व तीमारदारों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। ये लंगर दो दिन के लिए लगाया गया है। इस निशुल्क लंगर का लगभग सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। आश्रय फाउंडेशन सोसाइटी देहरा की संचालिका मीनाक्षी परमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वे सचिव मधु चौहान, कोषाध्यक्ष संगीता मिन्हास और उनकी सहयोगियों द्वारा लोगों की निशुल्क दाल, चावल, कड़ी रोटी और फल वितरित किए गए। मीनाक्षी परमार ने बताया कि उनकी संस्था जरूरतमंदों के लिए कार्य करती है और जहां भी जरूरत होती है वहां मदद करने को हमेशा तैयार रहती है। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ गया, सहयोगी बढ़ गए और जरूरतमंदों को देने वाली उनकी सेवाएं भी बढ़ती जा रही है। मीनाक्षी ने बताया कि यहाँ ज्वालामुखी अस्पताल में हमें पता चला कि यहाँ मरीजों व तीमारदारों को खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी सहयोगी टीम के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ दो दिन के निःशुल्क लंगर की व्यवस्था की। जरूरतमंदों की जरूरत को देखते हुए उनकी संस्था कार्य कर रही है। नमस्कार, मैं मीनाक्षी परमार, हम आश्रय फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पे आए हैं। हम काफी टाइम से हेल्प कर रहे हैं लोगों की, जहाँ पे भी हमारी जरूरत होती है, बच्चों की शादियों के लिए या फिर किसी को पढ़ाई के लिए जरूरत है या फिर दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, ऑपरेशन के लिए नहीं है। तो कल हमें पता चला कि यहाँ पे ज़रूरत है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है टाइम से, तो हमारी टीम के सारे सदस्यों ने जल्दी से जल्दी ये सब मैनेज किया है, बेबी चौहान जी ने और संगीता जी ने, बिकॉज मैं तो यहाँ पे थी नहीं, तो इन्हीं लोगों ने सब कुछ किया है। और बाकी बेबी जी बताएंगी आपको। नमस्कार, मैं आश्रय फाउंडेशन की सचिव हूँ। कल जैसे भी हमारी टीम को पता चला कि यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं, तो हमारी टीम ने यही सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, तो हमने रात के खाने को बंद किया। सुबह हमने चाय, ब्रेड और आज रात फिर खाना, तो जो भी हमसे जितना हुआ हमने वो किया। हम चाहते हैं हमारे साथ ज़्यादा